चित्रकूट धार्मिक नगरी यूपी का एक ऐसा जिला जो भगवान राम से जुड़ा है। भगवान राम ने वनवास के 14 सालों में से 11 साल यहीं पर काटे थे, लेकिन भगवान राम की इस नगरी में लोगों के लिए समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। दुनिया में मशहूर होने के बाद भी पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाया। बेरोजगारी, जल संकट और दस्यु समस्या के चलते बड़ी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। पानी की समस्या है जो पाठा क्षेत्रों में आज भी लोग वहाँ पोखरों में कम से कम 5-5, 8-8 किलोमीटर केवल पानी पीने के लिए लेकर घर में आते हैं। चित्रकूट में दो विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक सीट एसपी के पास और दूसरी सीट बीएसपी के पास है। चित्रकूट सीट एसपी के पास है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में हम पहुंचे हैं चित्रकूट। चित्रकूट यानी वो इलाका जहां भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा वक्त व्यतीत किया है। यहां के चप्पे चप्पे में पौराणिकता बसी हुई है, मगर इन दिनों चित्रकूट के लोग परेशान हैं। सूखे ने यहां कई साल से डेरा डालकर बैठा हुआ है। गाँव में लोगों को रोजी रोटी का संकट है, खाने का संकट है, पानी का संकट है। तो हम शहर की बात करें तो यहाँ बिजली कब आती है कब जाती है पता नहीं लगता। चित्रकूट की जनता चुनाव करीब आ रहे हैं और क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हम चित्रकूट की जनता से बात करेंगे। साथ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष अशोक जाटव जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राम भवन गुप्ता जी, बीएसपी के नेता राम सागर चतुर्वेदी जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर मिश्रा जी। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी से ही शुरू करते हैं। साहब, लंबा वक्त हो गया है, 4 साल हो गया है, मगर इलाके की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? गरीबी क्यों इस कदर हावी है पूरे इलाके में? जब से हमारी सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की 2012 से, और मैं बाकी हमारे जिले में इतना काम समाजवादी पार्टी ने किया है, जहां आप खड़े हैं इस जगह का 24 घंटा बिजली हम दे रहे हैं। और जो सूखे की जहां तक बात है, तो हमारी सरकार ने अभी आकर करके यहां पे जो है 1000 हैंडपंप तत्काल दिया है और गांव-गांव में टैंकर व्यवस्था कर दी गई है। सरकार तरफ से किसी प्रकार कोई कमी नहीं कही जा रही। मुख्यमंत्री यहां खुद स्वयं 2-3-4-5 बार आ चुके हैं। मुख्यमंत्री यहां कई बार आए हैं, क्या आप समझते हैं साहब की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार काम कर रही है जनता को राहत मिली है? ऐसा की जो यहाँ की योजनाएं हैं, जैसे यहाँ पर प्रभारी मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं, यहाँ पे सड़कें अभी 4-4 साल से निर्माणाधीन है। यहाँ पे आवास विकास की योजना माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा किया था। 13 सितंबर 2007 से आज तक लोगों के नक्शे भी नहीं बन रहे हैं और मकान भी नहीं बन पा रहे हैं लोगों के। गुप्ता जी बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि एकदम तस्वीर बदलने वाला काम किया, क्या ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ। पूरे बुंदेलखंड में सूखे से किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। मारकुंडी क्षेत्र में यादव जात के अलावा किसी को चेक वितरण नहीं हुए। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं जाटव जी। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, आपके केंद्र में भी सरकार है, समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार है, तो जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही? समाजवादी पूरी तरह से झूठ की राजनीति करती है, और जिस तरह से अभी देखा गया है कि 1 लाख की हत्या के बाद जिस तरह से वहाँ उनके द्वारा जाँच कराई गई, उसमें ये पाया गया कि नहीं वो बकरे का मीट। हम लोग यहाँ की बात करें, चित्रकूट की बात करें, 1 लाख की बात तो बहुत दूर। मैं पूरी तरह से वही करता हूँ, कह रहा हूँ कि झूठ की राजनीति करती है आज पूरी तरह से। जिस तरह से बुंदेलखंड में किसान परेशान है, लाले पड़ गए यहाँ पानी पीने को, इसके बाद इनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ झूठे हैं। तस्वीर क्यों नहीं बदल पा रही आपके इलाके की? सर, अवैध खनन तो यहाँ तेजी से चल रहा है, लेकिन यहाँ जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं संचालित हो रही हैं वो ठीक से नहीं संचालित हो रही हैं। बेसिकली जिम्मेदार तो प्रशासन और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनका होता है कि अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए। अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ये लगता है कि नीत और नियत में खोट है। अगर यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, सिंचाई के साधन अच्छे हो जाए, तो निश्चित रूप से ये हमारा जिला खुशहाल हो सकता है। जिला खुशहाल तो हो सकता है, बहुत यहाँ पे संभावना है। धार्मिक पर्यटन के नाम पे एक बहुत बड़ा संभावना है, मगर कभी कुछ हुआ नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि पास का जो मध्य प्रदेश का चित्रकूट है वो तो बड़ा विकसित है, मगर जो आपके इलाके का चित्रकूट है इसको विकसित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्यों बहुत ज्यादा काम नहीं किया? बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला आपका चित्रकूट है ये, और माननीय हमारी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे बिरमांगना घाटी पे हवाई अड्डे का विस्तार किया है। हो सकता है कि कुछ दिनों में ही इसका बड़ा रूप लेकर के बड़ी हवाई जहाज उतरेगी, पर्यटन की बहुत संभावना है। ये सरकार अति संवेदनशील है, इसमें कोई मानवता नहीं है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, 3-4 घंटे दिन में, 3 घंटे रात में, यहाँ व्यक्ति सो नहीं पाता है।
सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे साहब युवाओं को लेकर, कुछ इलाके में कुछ हुआ है? देखिए युवा तो पूरी तरह से हाशिए में है, और चित्रकूट में सपा और बसपा की राजनीति ने जातिवादी गठजोड़ करके, यहाँ पर इनका इतिहास देख लीजिए, जातिवाद के आधार पर इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया और जंगल के इशारे पर टिकट बांट करके, जातिवाद पर बांट करके पूर्णिया चित्रकूट को बर्बाद करने का काम किया गया। और अगर आप विकास के नाम पर देखना चाहेंगे तो आप राजापुर करवी की रोड देख लीजिए, पूरे 5 साल से साइकिल की रफ्तार में भी नहीं चलो, बैलगाड़ी से सड़क नहीं बनी है। क्या कहेंगे सर, दसवीं समस्या भी यहाँ बहुत है, दसवीं समस्या के नाम पर बातें तो बहुत की जाती है, बंदरवाड़ पैसे की भी हुई है। दसों समस्या तो बड़ी दूर की बात है, मैं सबसे बड़े मूल आधार पर बात करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत जमीनें ऐसी हैं इस बुंदेलखंड क्षेत्र में, खासतौर से चित्रकूट जनपद में, जो कि बंजर पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग नहीं कर रही कोई भी सरकार, इससे पहले रही हो, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। कमेंट सब खड़े हैं सामने आपके, सीधी सीधी बात करना ये चाहता हूं कि अगर उन बंजर भूमों पर कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग लगा दिए जाएं तो हमारे यहां का जो जनपद का नौजवान और बेरोजगार भागकर दूसरी जगह, दूसरे जनपदों में और दूसरे प्रांतों में जाकर अपनी रोजी रोजगार चलाता है, अपने पेट पालता है, ऐसा न हो। पलायन, जी 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 जी, पलायन इस इलाके की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे एक एक बहुत संक्षेप में पूछूंगा, इस बार बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है? केंद्र में हमारी सरकार है और विकास की जो ठोस योजनाएं हैं आप देख सकते हैं, गरीबों के लिए जिस तरह से उज्ज्वला योजना लागू की गई है, आज गरीब महिलाएं उसको चहक मतलब हंस रही हैं, और जो मोदी जी द्वारा है पूरी तरह से मोदी के नाम पे बीजेपी उतरेगी। आप सर कांग्रेस को किस चीज का भरोसा है? क्या हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ उद्योग डालेंगे, जो लाखों आदमी इस जिले से पलायन हो रहा है, आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी इस तरह की ठोस कदम नहीं उठाया, राजीव गांधी ने किया था। किसानों की समस्या को लेकर उतरेगी, आप बसपा वाले क्या मुद्दा रहेगा? हमारा कानून व्यवस्था मुख्य रूप से रहेगा, जो जिस तरह से जंगल राज है पूरे प्रदेश में, इसको समाप्त करेंगे, और दूसरी जो देश का अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचे। मिश्रा जी, जंगल राज कह रहे हैं आपके राज को, और पर समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। हमने इतना काम इस जनपद में किया है कि आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है। हम विकास के नाम पे यहाँ पर पब्लिक जनता हमको वोट देगी, पुनः हमारी दोबारी सरकार बनेगी। और ये कांग्रेस बीजेपी के लोग जो मोदी के नाम पिछले चुनाव में लोग 14 चुनाव में जो झूठे वादे करके 15-15 लाख देकर लोगों को भड़का लिया था, इसका इनका इस भाजपा वालों का पर्दा खुल जाएगा। फिर एक चुनाव सामने है, फिर विकास की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि विकास की ये बातें खरी हों, सच्चाई पर उतरें, धरातल पर उतरें, विकास की योजनाएं, तभी इस बुंदेलखंड की जनता का भला होगा। चित्रकूट से नुक्कड़ बहस में आज बस इतना ही, देश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।